वेदांत में भी श्रवण ही मुख्य है और भक्ति में भी श्रवण ही मुख्य है। तो ये जो श्रवण है इसके लिए ये नियम है कि यदि कोई वस्तु नित्य परोक्ष हो, कभी जिसका अपरोक्ष होते ही न हो, तो श्रवण के बिना उस वस्तु में प्रीति या उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे स्वर्ग आदि, उसके लिए साधना अनुष्ठान भी नहीं हो सकता क्योंकि वो नित्य परोक्ष है, स्वर्ग वैकुंठ आदि, और उसका ज्ञान केवल शब्द से ही होगा। श्रवण के अतिरिक्त उसके ज्ञान का और कोई प्रत्यक्ष अनुमान आदि साधन नहीं है। अनुमान भी निराधार होगा क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं, वहां व्याप्ति ग्रह कैसे, वहां परामर्श कैसे। और एक है कि जो साक्षात अपरोक्ष होते भी अज्ञात हो, उसका ज्ञान भी केवल श्रवण से ही हो जाता है। जैसे अपना आत्मा है, अभी आत्मा आत्मा तो सबके अनुभव में है, मैं हूँ ये सबके अनुभव, परंतु उस आत्मा के साक्षात अपरोक्ष होने पर भी उसकी जो ब्रह्म स्वरूपता है वो अज्ञात है। तो जो नित्य अपरोक्ष होकर के भी अज्ञात हो, उसको तत्त्वमस्यादि महावाक्य के समान श्रवण के बिना अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जो नित्य परोक्ष है स्वर्ग ब्रह्म लोकादि, उसका भी श्रवण के बिना ज्ञान नहीं होगा। तो जो स्वर्गादि के संबंध में श्रवण होगा, वो श्रवण के पश्चात अनुष्ठान की अपेक्षा रखते हैं क्योंकि परोक्षता और अन्य का बोध वहाँ अनुष्ठान की अपेक्षा होगी। परंतु साक्षात अपरोक्ष जो आत्मदेव है, इनके ज्ञान के बाद न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ करना है, इसलिए ब्रह्मात्मा के बोध के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा क्योंकि तो नित्य प्राप्त ही अपना स्वरूप है और अन्य के रूप में जो परमेश्वर का या लोकांतर का ज्ञान है वो अनुष्ठान की अपेक्षा रखेगा। तो सर्वत्र ज्ञानम कर्मांगत्वेन संस्कारत्वेन गम्यते परांगं चात्र विज्ञानाद अन्यत्र सिंहार्यता। ये आत्मविज्ञान जो है ये न संस्कार है और न तो अनुष्ठान का अंग है, परांग नहीं है। और जो भक्ति आदि में जो भगवान है जनीय का जो ज्ञान है वो अनुष्ठान सापेक्ष होता है, और जो ब्रह्मात्मय के बोध है वो बोध होकर किसी अनुष्ठान की अपेक्षा है। श्रवण में बल कैसे आता है? श्रवण में बैराग है, तो बैराग रागों को कई कई जगह कई शब्द का प्रयोजन है। वैराग्य सारम प्रतिलब्ध बोधम, वैराग्य ज्ञान न वैराग्य बने न धीरा, ज्ञान में बल है वैराग्य का, वैराग्य का सार बोध ही है। तो यदि वैराग्य नहीं होगा तो दृश्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो, और वैराग्य में दृश्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा मिट जाती है। इसलिए स्वरूप स्थित जो दृष्टा है उसके साक्षात्कार में जो भी प्रतिबंध है वो ज्ञान से जुड़े हुए। बाबा जो पुस्तक में तो छपा है तो राग कथा और यज्ञ कथा भोग कथा थी त्याग, राज्य की चर्चा भोग की चर्चा और जगत की चर्चा तुम छोड़ दो, और परमेश्वर की चर्चा भी आपने व्याख्यान सुने स्वामी जी महाराज ने, जो राम के सौंदर्य माथुर के उनकी महिमा का जो वर्णन किया उससे मन इस संसार को छोड़ जाता है। तो कई लोग सत्संग में इसलिए आते हैं, ये संसार की वादक देशमय चर्चा से बहुत व्याकुल रहते हैं, उनके मन में बहुत अशांति रहती है। तो वो संतों के पास सत्संग में इसलिए जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए उस चर्चा से उन्मुक्त हो जाए और हमारा मन शांत हो जाए। तो संसार में जो दुखी लोग हैं, अशांत हैं, विकसित हैं, उनके लिए ये बहुत अमृत के समान मधुर कथा है जो तत्काल ही संसार के विकारों से, झगड़ों से छुड़ा देती है।